मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में बताया है। अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस, आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। तो जैसे कि मैंने अपनी दो वीडियोज में बताया कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो मैं बेसिकली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली कंपनी के इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी की ओनरशिप होती है, एक पार्ट ओनरशिप। अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है या आपको लगता है कि कंपनीज के जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसकी ओनरशिप लेते हो, मतलब आप उसका एक शेयर परचेज करते हो। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हो जो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में। तो अब हम बात करेंगे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप कहाँ से ओपन करवा सकते हो? डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास जाकर ओपन करवा सकते हो या ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स और ग्रो ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का तरीका सेम है, आप डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के लिए, या तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के लिए। डीमैट अकाउंट में दो तरीके के चार्जेस लगते हैं, एक तो अकाउंट मेंटेनेंस का चार्जेस और दूसरा ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस हम तब पे करते हैं जब हम कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बाय या तो सेल। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक एक्सपेंस रेशियो लगता है जिसमें हर तरीके के एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, जो कि नॉर्मली 1-1.5% के बीच में होता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। चलो मान लो पर्सन ए है जिसे मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो मार्केट पे रिसर्च करना नहीं चाहता ज़्यादा, पर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब पर्सन बी का एग्जांपल लेते हैं। पर्सन बी को मार्केट के बारे में पता है, उसने अच्छी खासी रिसर्च करी है और उसे परफेक्ट सेगमेंट का भी नॉलेज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप पर्सन ए के कैटेगरी में हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर है। अगर आप पर्सन बी के कैटेगरी में हो जिसने अच्छी से रिसर्च करी है, जिसे अपनी रिसर्च पे पूरा भरोसा है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो रिसर्च आपको करना है, आपको आपका आइडिया लगाना है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं। आपको इस पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि आप लिमिटेड अमाउंट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट में स्टॉक्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सपोज़ आप 500 का स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर या नीचे होते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपये से लेकर 500 रुपये और उसके ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड्स पे कि वो कितना इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, और बहुत सारी कंपनीज होती है जो 500 और 1000 के मल्टीपल्स में भी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज ये डिपेंड होता है मार्केट कंडीशंस, गवर्नमेंट कंडीशंस और मार्केट और बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज पे। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जहाँ पर रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की रिस्क स्टॉक मार्केट की रिस्क से काफ़ी कम है। अगर आप मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं और नए इन्वेस्टर हैं, आपको पैसा लूज भी नहीं करना ज़्यादा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली शेयर्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।